असतो का? म्हणतात तशी झाडाची जी पानं आहेत ती हिरवीगार असतात का? आकाशाचा रंग निळा असतो का? इंद्रधनुष्यामध्ये सात रंग असतात का? किंवा अंधाराला भेदून जाण्याची क्षमता सूर्यकिरणांमध्ये असते का? या प्रश्नांची उत्तरं किती सोपी आहेत नाही का द्यायला, पण सगळ्यांनाच या प्रश्नाची उत्तरं देता येत नाही. ज्यांना अंधाराशिवाय काहीच दिसत नाही त्यांना या प्रश्नाची उत्तरं कशी बरं देता येतील? पण अंधाराच्या साम्राज्यात राहूनही दिव्य दृष्टी लाभलेल्या एका अंध मुलीनं एक वेगळाच उपक्रम हाती घेतलाय. मुंबईच्या व्हॉइस विजन ह्या एका वेगळ्या संगणक प्रशिक्षण केंद्राला भेट देण्याचा योग आला. एका अंध व्यक्तीनं अंधांकरता चालवलेलं भारतातील हे एकमेव प्रशिक्षण केंद्र आहे. आरती बुबना ह्या केंद्राच्या संचालक आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणात जे सॉफ्टवेअर वापरलं जातं ते आवाजाच्या माध्यमातूनच संगणकाचं शिक्षण देतं. विद्यार्थ्यांना त्यांनी कीबोर्ड मधील कुठली की दाबली आहे किंवा कुठची कमांड दिली आहे हे संवादाच्या माध्यमातून सूचित करत. त्या आधारावर अंध विद्यार्थी संगणकाचा वापर अगदी सहज गत्या करू शकतो. Let Windows Start Menu New Office Document. P Accessories Programs. Internet Explorer Submenu. Submenu Accessories. Enter Accessories Communications. Entertainment. Microsoft Power. Microsoft Word. Microsoft Outlook. Microsoft PowerPoint. Microsoft Word. MS Tech, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Basically, मेरे को सिर्फ 1% vision है. तो it was a question के how to learn computer. और अभी nowadays computer का ही जो age है, computer का जमाना है, तो it is very impossible for us के हम लोग computer सीख सकें. तो आरती जी का हमने Times of India में article पढ़ा और उनके बारे में पढ़ा के कैसे उन्होंने इसमें डेवलप किया है. तो फिर उनको कांटेक्ट करने के बाद यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा एक प्रोग्राम है जॉज जिसके वजह से हम पूरा ये पढ़ सकते हैं. जैसे टॉकिंग क्लॉक रहता है ऐसे ही पूरा टॉकिंग कंप्यूटर है. और इनसे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि अमेरिका में जो कंपनी है वो ये जो ये प्रोग्राम्स बनाती है ब्लाइंड्स के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो 90% पीपल वर्किंग इन दैट कंपनी आर ब्लाइंड. तो वहाँ से हमारा जो आत्मविश्वास था वो और बढ़ गया कि वी कैन ऑल्सो डू समथिंग. और यहाँ स्टडी करने के बाद अभी ऐसा लगता है कि वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन डू. लोगों को जब भी मैं कंप्यूटर को यूज करते हुए देखता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद कभी मैं कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो स्क्रीन तो दिखती नहीं थी या मुझे पढ़ने पे नहीं आता, या फिर कीबोर्ड एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम था कि मैं कैसे उनकी कीज को दबाऊंगा या कैसे मैं समझ पाऊंगा. ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए नहीं बनी है और इससे मैं काफी डिप्रेस हो जाता क्योंकि ये अभी तो कंप्यूटर एज है और हर कोई कंप्यूटर के बारे में सीख रहा है और हमें लोग ऐसे है जो मतलब इनको सीख नहीं पाएंगे. लेकिन एक दिन आरती जी का लेटर मुझे आया कि मैं भी सीख सकता हूँ और मैंने इस वॉइस विजन इंडिया को ज्वाइन कर लिया. उसके बाद आज एक सॉफ्टवेयर ऐसे है जो जॉज, जिसका नाम है जॉज, उसके सहारे हम कंप्यूटर्स के द्वारे हर कोई चीज को कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है. येणारं युग हे संगणकाचं युग असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर अवघ्या जगाला संगणकाच्या संदर्भात माहिती करून देणं गरजेचं आहे. अंध व्यक्तींना केवळ संगणकाचं प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या संदर्भातील प्रश्न सुटेल असं नाहीये, तर त्यांना या क्षेत्रामध्ये काम उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचं त्यांचा मनोगत ऐकल्यावर लक्षात येतं. मला हो गई थी तो मैं उसके बाद मैंने सोचा की कुछ करना चाहिए, घर पर बैठ के तो फायदा नहीं है. तो मैंने बहुत सारे रिहैबिलिटेशन कोर्सेज जो यहाँ पर है ब्लाइंड लोगों के लिए उसमें ट्राई किया
तो बट कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी जैसी लड़की जो मैनेजमेंट करी हुई है, कॉमर्स में ग्रेजुएट है, बिजनेस संभालती थी, उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं सीखकर उसमें आगे बढ़ सकूं. मेरे लिए था कि जो भी उन लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब 10 साल पीछे जाने वाली बात थी. तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्यूटर में ट्राई किया जाए, बिकॉज मेरा भाई है वो इंजीनियर है यूएसए से, तो उनके कारण मुझे मालूम है कि टेक्नोलॉजी में कितने एडवांसमेंट आ गई है. तो हम लोगों ने सोचा कंप्यूटर में कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे पता किया तो दूर दूर तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं थी, ब्लाइंड लोगों के लिए भी नहीं थी कि जो मुझे कोई एनरोल करके सिखा सके. और मैंने जब नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट किया तो वो लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ऐसे स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते, हमारे पास कोई कोर्सेज नहीं है. तो मैंने एक मेरी फ्रेंड के थ्रू यूएसए में पता चला मुझे हैडले स्कूल फॉर द ब्लाइंड, वहाँ से मैंने करस्पॉन्डेंस कोर्स किया जहाँ से मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली कि कंप्यूटर किसको बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन मिली कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे जो कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा का पूरा बोलते हैं वो. उससे हम लोग नहीं जो देख नहीं सकते उनको सब कुछ पता चलता है कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बिना किसी मदद के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. मैंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके एक महीने के अंदर मैंने सीख लिया मेरे भाई की मदद से, मेरे ऑफिस स्टाफ की फ्रेंड्स की मदद से. कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया लेकिन मैंने पूरा कंप्यूटर सीख लिया. फिर अप्रैल 2000 में मैंने खुद ने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू की क्योंकि कोई भी नहीं था जो सिखा सकते हैं. और जब मेरे को नहीं सीखने मिल रहा था कंप्यूटर तो मैंने सोचा था जिस दिन मैं कंप्यूटर चलाना खुद सीख लूंगी मैं एक इंस्टीट्यूट चालू करूंगी. मैंने वो अप्रैल 2000 में चालू किया. उसके बाद हम लोग अभी बेसिक कोर्स सिखाते हैं, उसमें विंडोज, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, आउटलुक एक्सप्रेस और वेब डिजाइनिंग का कोर्स भी सिखाते हैं. वेब डिजाइनिंग ये सब सीखने के बाद कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है. कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नॉर्मल आदमी कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते. हम लोग एक वेब कंसल्टेंट बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, नॉर्मल कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के जैसे काम कर सकते हैं, कुछ भी काम हो जो हम लोग कर सकते हैं. इंटरनेट के आने के बाद पूरी एक दुनिया डॉट बन के रह गई है. इंफॉर्मेशन मिनटों में यहाँ से वहाँ जाती है और पीसी में उसमें ब्लाइंड लोग आराम से काम कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं. दुनिया पे जो वो अपनी फैमिली के लिए या वर्ल्ड के लिए बोझ समझे जाते हैं वो उनको खुद के अपने पैरों पे खड़े रह के बता सकते हैं कि देखो हम किसी पे भी बोझ नहीं है, ना खुद पे, ना फैमिली पे, ना कंट्री पे, ना वर्ल्ड पे, किसी पे भी नहीं, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड है. फोन साइज चेंज करना तो कैसे करेंगे अपन, कौन से मेनू में जाएंगे? पहले मैं ऑल्ट ऑल्ट ओ करूंगा, है ना? ऑल्ट ओ करके फॉर्मेट मेनू में जाएंगे ना. जाइए आप भी टाइप कर लीजिए आपके उसमें. ऑल्ट ओ किया मैंने. ऑल्ट ओ किया एक सेकंड.